नमस्कार, आप देख रहे हैं दी न्यूज 9x। दी न्यूज 9x में आप सभी का स्वागत है। निर्भया के दोषियों को अलग अलग फांसी देने की केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी करने की हरी झंडी दे दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि तिहाड़ प्रशासन अब फांसी की नई तारीख जारी करने के लिए सत्र अदालत में याचिका डाल सकती है। इसके साथ ही चारों दोषियों पर अदालत ने नोटिस जारी करते हुए उनकी अलग अलग फांसी का मामला अपने पास स्थगित रखा है। इस पर 13 फरवरी को सुनवाई होना है। पिछली सुनवाई में जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने दोषियों को अलग अलग फांसी देने के पक्ष में केंद्र सरकार की अर्जी पर फौरन सुनवाई ये कहते हुए टाल दी कि दोषियों को हाईकोर्ट द्वारा तय की गई 7 दिनों की समय सीमा के भीतर कानूनी विकल्पों का उपयोग करने दिया जाए। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दोषियों को नोटिस जारी करने के आग्रह को दरकिनार करते हुए कहा कि इससे मामले की और देरी होगी। इस मामले को 11 फरवरी को सुनेंगे, तब देखेंगे क्या दोषियों को नोटिस जारी करने की जरूरत है या नहीं। इससे निराश मेहता ने कहा था, इस मामले में देश का इम्तिहान लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोषी मुकेश कुमार दया याचिका समेत सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। वहीं अक्षय कुमार और विनय कुमार शर्मा दया याचिका खारिज हो चुकी है। पवन ने ना तो अब तक सुधारात्मक और ना ही दया याचिका दी है। सवाल यह है कि केंद्र सरकार अंतरहीन इंतजार करना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा, किसी को कानूनी विकल्प लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने दोषियों को विकल्प आजमाने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है, ये इन्हें कानूनी सुरक्षा भी देता है। मेहता ने पीठ से यह कहा कि कानून यह बताए कि क्या किसी एक ही मामले में दोषियों को अलग अलग फांसी नहीं दी जा सकती है। तब बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई में देखेंगे। तब मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि चारों दोषियों को नोटिस ही जारी कर दें। आप दोषियों से कहें कि सोमवार को अदालत में आए और बताएं कि आखिर उनका इरादा क्या है। नोटिस जारी करने से दोषियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाई कोर्ट पहले ही दोषियों को नोटिस दे चुकी है, कोर्ट को इससे मदद ही मिलेगा। आखिर हमारी एक संस्था के हेतु हमारे समाज में ही होती है। बहरहाल अभी भी एक अर्जी बाकी है। निर्भया केस में अगला रुख क्या होता है, हम आपको ताजा रिपोर्ट लाते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा YouTube चैनल दी न्यूज 9x को सब्सक्राइब करना भूलें। शुक्रिया।